योगी राज में बेलगाम होते बीजेपी विधायक। चार छह आदमी इकट्ठे होकर के पिटाई करनी शुरू कर दो, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। सुनिए योगी जी, आपके विधायक कैसी जबान बोलते हैं? कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। योगी की मेहनत को मिट्टी में मिला देंगे ऐसे विधायक। अब आप लोग किसी भी थाने में चले जाओगे तो पैसा दोगे तो वो पुलिस वाला आपसे पैसे नहीं लेगा, पहले उसको मुर्गा बनाया जाएगा और मैं ब्याज के उसके पैसे वापस कराए जाएंगे। क्या सीएम योगी की नसीहत भूल गए बीजेपी विधायक? जो तुलाई करता है उसकी पिटाई करनी शुरू कर दो और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे नेताओं पे लगाम कसिए योगी जी। आपको कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात काम करते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक योगी सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। पांच तस्वीरें अब आपके सामने हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां बीजेपी नेता मनोज कश्यप फोन पर दारोगा को जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। संभल के मुन्नौर से बीजेपी विधायक अजीत कुमार जनता को, राशन डीलर्स को मारपीट के लिए उकसा रहे हैं, पुलिस वालों को मुर्गा बनाने की बात कर रहे हैं। सीतापुर में बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ एसपी से भिड़ गए, तुरंत ट्रांसफर की मांग कर दी। मेरठ में बीजेपी नेता संजय त्यागी भी पुलिस से भिड़ गए, तीखी नोकझोंक और खींचतान हुई। तो ये तस्वीरें पांच हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से बीजेपी के विधायक और नेता अपने मुख्यमंत्री से अलग राग अलापे हुए हैं। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी की ताजा खबर शाहजहांपुर से है। इस खबर को आपको तफसील से बताते हैं, जहां मनोज कश्यप ने जलालाबाद थाने के दारोगा को जान से मारने की धमकी दी। किसी मामले को लेकर मनोज कश्यप ने दारोगा अमर सिंह यादव को फोन किया और जान से मारने की धमकी देने लगे। धमकी का ऑडियो सामने आया है। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। मनोज कश्यप को बीजेपी ने हाल ही में हुए चुनाव में टिकट दिया था, वो चुनाव हार गए थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए, लेकिन सरकार बनने के बाद अब उनकी हेकड़ी नजर आ रही है। दूसरा पक्ष गेहूं काट रहा है और अगर वो स्थिति क्रिएट हुई तो मैं आपकी जान को बवाल कर दूंगा, ये देख लो आप। क्या मैं जाने क्यों कर देंगे? तुम्हारी जान को यूं कर दूंगा कि तुम इस्ते पिस्ते का उदाहरण देते रहे ना, जो एग्जांपल देते रहे, अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा। मैं तो अभी चाहता हूँ अगर कभी गरीब आदमी का सोचा तो मैं रहने नहीं दूंगा आपको। अरे मैं तो वैसे ही नहीं रहना चाहता साहब। हाँ तो आप रहोगे नहीं, सुन लो, रोको अभी उसको, रोको, जान को बवाल दे दूंगा पूरा, यार आपकी कैरेक्टर खराब कर दूंगा मैं आपका। ऐसा हो गया, सारी रिकॉर्डिंग है आपके साथ जो आपने कहा है मुझे। और एक बार फिर से हम आपको ये ऑडियो सुनवा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेता पुलिस को धमकी देते हुए, दारोगा को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए एक बार फिर से। दूसरा पक्ष गेहूं काट रहा है और अगर वो स्थिति क्रिएट हुई तो मैं आपकी जान को बवाल कर दूंगा, ये देख लो आप। क्या मैं जाने क्यों कर देंगे? तुम्हारी जान को यूं कर दूंगा कि तुम इस्ते पिस्ते का उदाहरण देते रहे ना, जो एग्जांपल देते रहे, अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा। मैं तो अभी चाहता हूँ अगर कभी गरीब आदमी का सोचा तो मैं रहने नहीं दूंगा आपको। अरे मैं तो वैसे ही नहीं रहना चाहता साहब। हाँ तो आप रहोगे नहीं, सुन लो, रोको अभी उसको, रोको, जान को बवाल दे दूंगा पूरा, यार आपकी कैरेक्टर खराब कर दूंगा मैं आपका। ऐसा हो गया, सारी रिकॉर्डिंग है आपके साथ जो आपने कहा है मुझे। तो आपने सुना कैसे बीजेपी नेता दारोगा को धमकी दे रहे हैं। अब सुनिए अपनी सफाई में मनोज कश्यप ने क्या कहा है। गुस्से के अंदर जो मैंने इससे बात करी है तो निश्चित तौर पर मैंने इसको ये कहा कि मैं इसे रहने नहीं दूंगा और जिन लोगों को संरक्षण कर रहा बर्बाद कर दूंगा उनको, मैंने ये कहा। ये सारी बातें जो कही गई हैं वो मैं स्वीकार कर रहा हूं जो मैंने कही है, लेकिन जो बात मैंने नहीं कही है वो निश्चित तौर पर वो इस प्रकार से अपने केस को प्रभावित करना चाहता है। मैं सही अर्थों में चाहता हूं कि एसपी इस विषय की जांच करे, मैं चाहता हूं प्रशासन इस विषय की जांच करे और ये व्यक्ति जहां जहां रहा
पिछले इसके अगर 30 वर्ष की नौकरी है तो ये जहां जहां पर रहा इसके 30 वर्ष की नौकरी के इतिहास को खंगाला जाए। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी आपने देख ली, अब सुनिए कैसे। संभल में गुन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अजीत कुमार राजू खुलेआम जनता के सामने पुलिस वालों को मुर्गा बनाने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये चीनी राशन तेल नहीं बांटते हैं, 10-20-50 आदमी इकट्ठे हो जाओ और बेईमानी करते हैं तो मुकाबला करो, वहीं पर मारते मारते हमारे पास ले आओ, कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। दलाली करता है उसकी स्वयं आप लोग 4-6 आदमी इकट्ठे होकर के पिटाई करनी शुरू कर दो, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। आप लोगों को रेता की जरूरत है, चाहे मिट्टी की जरूरत है, अपने लिए ये नहीं है कि जेसीबी से रोहतक खोद लो और पूरा खेत का खेत उसका खुद डालो, आपको कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं हो। कोई भी घटतौली आपके साथ में होती है फैक्ट्री में जाकर के तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर 4-6 किसान इकट्ठे हो और जो तुलाई करता है उसकी पिटाई करनी शुरू कर दो और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आप लोग किसी भी थाने में चले जाओगे तो पैसा दोगे तो वो पुलिस वाला आपसे पैसे नहीं लेगा, पहले उसको मुर्गा बनाया जाएगा और मैं ब्याज के उसके पैसे वापस कराए जाएंगे।